जीके बाइक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके की 36 वोल्ट 250 वाट हब मोटर किट असेंबल करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीके हब मोटर किट इंडिया की बेस्ट बाइसिकल टू इलेक्ट्रिक बाइसिकल कन्वर्शन किट है और पिछले 10 साल से इंडिया की साइकिल्स को इलेक्ट्रिक साइकिल्स में कन्वर्ट करने में कामयाब है। यह किट दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, विद रिम और विदाउट रिम। यह वीडियो विद रिम किट की असेंबली एक्सप्लेन करेगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग और किट कंपोनेंट्स को समझते हैं। प्लीज नोट, बैटरी और चार्जर ऑप्शनल प्रोडक्ट्स हैं और एडिशनल कॉम्बो पैक में खरीद सकते हैं। इस किट में यह इंक्लूडेड है। व्हील साइज 24, 26, 27.5 और 29 इंचेस ऑप्शंस में अवेलेबल है। आप अपनी बाइक का व्हील साइज चेक करने के लिए इन दो इजी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस किट में आपको डिटैचेबल बैटरी, स्मार्ट ऑटो कट चार्जर, LED लाइट विद लाउड हॉर्न, ऑटोमेटिक पेडल असिस्ट, ब्रेक लीवर्स विद ऑटो कट ऑफ, हब मोटर कंट्रोलर बॉक्स, कंट्रोलर, वाटरप्रूफ वायर सेट और फुल थ्रॉटल विद बैटरी डिस्प्ले मिलेंगे। अब इंडिया लीडिंग जीके हाई टॉक हब मोटर किट को नॉर्मल बाइसिकल में असेंबल करते हैं। स्टेप 1, अपनी बाइसिकल को उल्टा करके पिछला व्हील निकालें। प्लीज नोट, साइकिल को उल्टा करने से साइकिल के लेफ्ट साइड पार्ट्स आपको राइट साइड में दिखेंगे और राइट साइड के लेफ्ट में। अगर आपकी बाइक में रियर क्विक रिलीज है तो यह इजीली स्क्रू ओपन करके व्हील बाहर आ जाएगा। ज्यादातर साइकिल्स में बोथ साइड्स नट्स होते हैं, आप नट्स को लूज करके अपनी बाइक का व्हील इजीली निकाल सकते हैं। फिर टायर की एयर निकाल के टायर को रिम से बाहर निकालें। यह आप खुद या किसी भी बाइसिकल मैकेनिक से निकलवा सकते हैं। इसके बाद अपने ओल्ड रिम से फ्री व्हील उतार कर हब मोटर वाले व्हील में लगाएं। फ्री व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा। अगर आपकी बाइसिकल में डिस्क ब्रेक है तो ब्रेक प्लेट को भी निकाल लें। और साफ करके नई हब मोटर व्हील में लगाएं। वी ब्रेक वाली साइकिल्स में सेम ब्रेक यूज होगी और ब्रेक एडजस्टमेंट के अलावा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद फ्री व्हील को नई हब मोटर रिम में फिट करें। मल्टी स्पीड फ्री व्हील भी सेम वे में फिट होगा। ओल्ड टायर को नए रिम में लगाएं और टायर को एयर मार्क लेवल तक इन्फ्लेट करें। स्टेप 2, इंस्टॉलिंग न्यू व्हील इन योर बाइसिकल। इस स्टेप में आप बाइसिकल की चेन साइड को रिम की फ्री व्हील साइड से मैच करके फिट करेंगे। चेन को ध्यान से फ्री व्हील के अराउंड चढ़ाएं और हब के एक्सल को फ्रेम के ग्रूव में प्रॉपरली फिट करें और नट्स टाइट करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपके व्हील की करेक्ट ऑटो अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर इसे ठीक से फ्रेम में फिट नहीं किया तो सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है। फिटिंग के बाद व्हील की मूवमेंट से आपको अलाइनमेंट चेक हो जाएगी। हब मोटर की वायर को सेफ्टी के लिए रबर कैप लगाएं। हब मोटर की वायर को चैन स्टे के साथ बीबी शेल के पास ले आएं और टाई लॉक से चैन स्टे के साथ फिट करें। नहीं करने से वायर चैन में फंस के कट सकती है। स्टेप 3, इंस्टॉलिंग पैडल असिस्ट। यह पैडल करने पर मोटर से पावर लेकर आपको राइडिंग में असिस्ट करता है।
इस स्टेप में आप अपने चैन व्हील का क्रैंक ओपन करेंगे। इसके लिए किसी भी बाइसिकल मैकेनिक के पास रिक्वायर्ड टूल्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम किट में प्रोवाइडेड पैडल असिस्ट को फिट करेंगे और क्रैंक को प्रॉपरली रीइंस्टॉल करेंगे। पैडल असिस्ट चैन व्हील के ऑपोजिट साइड में फिट होगा। अब आप अपनी साइकिल को सीधा कर लें। स्टेप 4, रिमूविंग ओल्ड ग्रिप एंड ब्रेक लीवर्स एंड रिप्लेसिंग विद ऑटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ अलॉय ब्रेक लीवर्स एंड फुल थ्रॉटल ग्रिप विद डिस्प्ले। इस स्टेप में आप पहले अपने ओल्ड ब्रेक लीवर्स के नट्स लूज करके ग्रिप्स और ब्रेक लीवर्स को साइकिल से निकाल लें। इसके बाद जी के हब मोटर किट में प्रोवाइडेड ऑटो कट ऑफ ब्रेक लीवर्स को करेक्ट एंगल पे लगाएं। यह एंगल आपके राइडिंग कंफर्ट और हाइट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हॉर्न और लाइट के बटन हैंडल के लेफ्ट साइड में लगेंगे और फुल थ्रॉटल हैंडल के राइट साइड में लगेगा। फिर आप फुल थ्रॉटल ग्रिप फिट करें विद डिस्प्ले एंड की। की होने से आपकी साइकिल की सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। राइट साइड ग्रिप की फिटिंग करते वक्त थ्रॉटल की फ्री मूवमेंट जरूर चेक कर लें और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर लें। कुछ हैंडल मॉडल्स बेंड स्टाइल होने की वजह से ग्रिप थ्रॉटल की मूवमेंट इफेक्ट हो सकती है। बोथ साइड ब्रेक लीवर्स में ब्रेक वायर फिट करें और ध्यान रखें कि वायर कट्स एक लाइन में ना हो। स्टेप 5, इंस्टॉलिंग वाटरप्रूफ वायर्स टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ग्रिप्स, ब्रेक लीवर्स एंड लाइट विद कंट्रोलर। सिंपली मैचिंग सॉकेट्स को डायग्राम की सपोर्ट से पिन लोकेशन चेक करके अटैच करें, नहीं तो वायर या कंपोनेंट्स खराब और इरिपेयरेबल डैमेज हो सकता है जो वारंटी में कवर नहीं होता। स्टेप 6, इंस्टॉलिंग लाइट एंड हॉर्न। जीके किट की लाइट में ही हॉर्न इंस्टॉल्ड है। सिंपली इसको फोक के मडगार्ड होल में टाइटली फिट करें। और मैचिंग वायर्स को पिन मैच करके अटैच करें। सारी वायर्स को टाई लॉक से फ्रेम के साथ सील करें। स्टेप 7, कंट्रोलर कनेक्शंस। जी के वायर सेट में खराब होने का खतरा नहीं रहेगा। कंट्रोलर साइड के लिए वाटरप्रूफ बॉक्स है जिसमें इजीली वायर्स और कंट्रोलर आसानी से स्टोर हो सकते हैं। कंट्रोलर के कनेक्शंस को दिए गए डायग्राम की हेल्प से अटैच करें। अगर आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की नॉलेज नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन की हेल्प जरूर लें। स्टेप 8, इंस्टॉलिंग बैटरी। बैटरी को बेस पैक से निकालें और बेस पैक को फ्रेम के बॉटल होल्डर नट्स खोल के उसमें फिट करें। प्रॉपरली टाइट करने से बैटरी सिक्योर रहेगी।
कनेक्शंस को भी डायग्राम की हेल्प से अटैच करें। बहुत जरूरी है कि बैटरी कनेक्शंस करने से पहले ग्रिप में की ऑफ हो। कंट्रोलर को कंट्रोलर बॉक्स में डाल के सी ट्यूब में नट्स के साथ फिट करें। अब बैटरी को बैटरी बेस पैक में अटैच करें। आपकी नई अपग्रेडेड ई बाइक रेडी है। अब आप की ऑन करके एक्सेलरेट करें और रियर व्हील मूव करेगा। हॉर्न और लाइट वर्किंग भी चेक कर लें। पैडल असिस्ट वर्किंग भी चेक करें। अब आप अपग्रेडेड जीके इलेक्ट्रिक साइकिल में अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए रेडी हैं। वी होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।